हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवा मोन स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फर्स्ट, उसमें साइंस चैप्टर नंबर 11, हाउसेस। फ्रेंड्स, हाउसेस का मतलब होता है घर। सो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के हमें होम यानी हाउस दिखाई देंगे, वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट्स अस लर्न अबाउट क्या क्या हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ हाउसेस, हाउसेस के प्रकार, रूम्स इन माई हाउस, और हमारे रूम्स कौन कौन से हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अभी देखते हैं। डू यू रिमेम्बर, ज्वाइन द डॉट्स एंड फिल द मिसिंग ब्लैंक। सो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ऐसे डॉट या ज्वाइंट कर देने हैं, उसके बाद यहाँ पे ब्लैंक में लिखना है हाउस। यहाँ पे हाउस का स्पेलिंग लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको हाउस का स्पेलिंग लिख देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरीबडी नीड्स अ स्पेस टू लिव इन, द स्पेस वी लिव इन इज कॉल्ड अवर हाउस। सो फ्रेंड्स, सभी को रहने के लिए जगह चाहिए, और हम जिस जगह पे रहते हैं उसे हाउस या फिर घर कहते हैं। अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, विंड, रेन, एनिमल एंड थीव्स। फ्रेंड्स, हाउस है हमें गर्मी, सर्दी, बारिश, जानवर और चोरों से बचाता है, थीव्स यानी कि चोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस डू, यहाँ पे क्या करना है, कलर द हाउस गिवन बिलो, सर्कल द थिंग्स इट्स प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम। फ्रेंड्स, यहाँ पे कलर करना है आपको। देखिए, ये पूरा का पूरा है, उसमें कलर करना है। सर्कल द थिंग्स इट यू कौन कौन से जहाँ पे हमें प्रोटेक्ट कौन कौन करता है उस पर सर्कल करना है। तो देखिए, प्लांट यहाँ पे सर्कल नहीं आएगा, कोल्ड है, रेन है, एनिमल है, इस पर सर्कल नहीं आएगा। चलिए अभी बढ़ते हैं टाइप ऑफ हाउसेस यानी कि घर के प्रकार क्या क्या है। तो हाउसेस इन सिटीज एंड टाउन्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स, स्टोन्स, स्टील एंड सीमेंट, दे आर कॉल्ड पक्का हाउसेस। सो फ्रेंड्स, सिटी में जो हाउस बने हुए हैं वो कैसे बने हैं, ब्रिक्स यानी ईंटों से, स्टोन यानी पत्थर से, स्टील से, सीमेंट से, यानी कि पूरे के पूरे ये ईंटों का, स्टोन का उपयोग किया गया हो जिस घर को बनाने के लिए, उसको क्या कहते हैं हम, पक्का हाउस कहते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको पक्का हाउस देखने को मिल रहा है। अभी दूसरा, मोस्ट ऑफ द हाउस इन विलेज आर मेड फ्रॉम मड, स्ट्रॉ, वुड एंड लीव्स, दे आर कॉल्ड कच्चा हाउस। सो फ्रेंड्स, विलेज में देखिए, आपको विलेज में इस प्रकार के घर देखने को मिलेंगे, तो ये कैसे बने हुए हैं, ये मिट्टी से, स्ट्रॉ से, पत्ते से, ऐसे घर बने हुए हैं, उसे कहते हैं कच्चा हाउस। फ्रेंड्स, दो प्रकार के हाउसेस होते हैं, एक है पक्का हाउस और दूसरा है कच्चा हाउस, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम टू आंसर, फिल इन द ब्लैंक। अ हाउस मेड ऑफ ब्रिक इज कॉल्ड पक्का। देखिए, यहाँ पे ऊपर लिखा है ये पक्का, आपको लिख देना है। उसके बाद कच्चा हाउस आर मोस्टली फाउंड इन विलेज, कहाँ पे मिलता है, विलेज। उसके बाद देर आर मेनली खाली ब्लैंक टाइप्स ऑफ हाउस टू, यहाँ पे आंसर आएगा टू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूम्स इन माई हाउस, हमारे घर में कितने कितने रूम होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। माई हाउस हैज मैनी रूम्स, रूम्स कंटेन अ रूफ, अ डोर, अ फ्लोर एंड विंडोज। सो हमारे घर में कई प्रकार के फ्रेंड्स रूम होते हैं। तो रूम के अंदर एक रूफ होता है, डोर होता है, फ्लोर होता है और विंडो होते हैं। उसमें हम पढ़ रहे हैं, पहला रूम हमारा ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम, वी सिट एंड टॉक टू आवर गेस्ट इन द ड्राइंग रूम। जो फ्रेंड्स हमारे घर में मेहमान आते हैं उसके साथ हम बातचीत करते हैं, तो ड्राइंग रूम में बातचीत करते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको ड्राइंग रूम दिख रहा होगा, तो उसे हम ड्राइंग रूम कहते हैं। उसके बाद डाइनिंग रूम, यहाँ पे सो वी
ईट ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर इन द डाइनिंग रूम। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे डाइनिंग रूम आपको दिया गया है कि जहाँ पे हम नाश्ता करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, उसे डाइनिंग रूम कहते हैं, वहाँ पे हम ये सब चीज़ें करते हैं। चलिए उसके बाद आएगा बेडरूम। तो देखिए वी स्लीप इन द बेडरूम, सम हाउस हैव मोर देन वन बेडरूम। देखिए ये इसको बेडरूम बोलते हैं, जहाँ पे हम सोते हैं वो हमारा बेडरूम होता है, और कई सारे घरों में तो एक से ज़्यादा भी बेडरूम होते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स किचन, वी कुक आवर फूड इन द किचन, हम हमारा खाना, देखिए यहाँ पे खाना किचन में बनाते हैं, तो ये हमारा किचन हुआ। उसके बाद है देखिए बाथरूम, वी वॉश एंड बाथ इन द बाथरूम, तो हम वहाँ पे नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे करते हैं। चलिए अभी आगे देखते हैं फ्रेंड्स, टाइम टू आंसर, कंप्लीट द नेम ऑफ द रूम्स गिवन बिलो। यहाँ पे नेम के रूम लिखने हैं, तो पहला है यहाँ पे डाइनिंग रूम, उसके बाद बेडरूम, उसके बाद किचन, उसके बाद बाथरूम। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट अस प्रैक्टिस फिल इन द ब्लैंक, तो यहाँ पे ब्लैंक हमें फिल करने हैं, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द वर्ड गिवन बिलो, नीड, सीमेंट, एनिमल्स और मड। हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एनिमल, पहले में आएगा एनिमल, उसके बाद ब्लैंक इज यूज्ड मेक पक्का हाउस, पक्का हाउस में क्या यूज होता है, सीमेंट। उसके बाद ब्लैंक इज यूज्ड फॉर मेक कच्चा हाउस, तो कच्चा हाउस में होता है मड। उसके बाद वी शुड कीप अवर हाउस नीट एंड क्लीन, हमें क्या करना चाहिए, हमारा घर नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। चलिए मैच द फॉलोइंग, कुक फूड, हम फूड कहाँ पे कुक करते हैं, तो किचन। स्लीप कहाँ पे करते हैं, तो बेडरूम में। पीपल को मीट कहाँ करते हैं, यानी मिलते हैं, ड्राइंग रूम में। और बाथ कहाँ पे लेते हैं, बाथरूम में। चलिए यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ योर टीचर रीअरेंज लेटर, हमें जो लेटर है यहाँ पे रीअरेंज करने हैं। सो पहला यहाँ पे है आर ओ डी ओ, तो इसका आंसर होगा डोर। उसके बाद है एफ ओ एफ आर ओ, इसका मतलब होगा रूफ। उसके बाद है आर ओ एल ओ आर, इसका मतलब होता है फ्लोर। और उसके बाद है डी ओ डब्ल्यू आई एन डी ओ, विंडो। विंडो आंसर आएगा। चलिए डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज हाउस, तो जहां पे हम स्पेस मिलती है, जगह होती है, उसे हाउस कहते हैं। आगे हमने देखा था उसके बारे में कि एवरीबडी नीड्स स्पेस लाइव इन लिव इन, द स्पेस वी लिव इज कॉल्ड हाउस, उसे हाउस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज पक्का हाउस, सो पक्का हाउस किसे फ्रेंड्स कहते हैं, पक्का हाउस जो ब्रिक, स्टोन, स्टील और सीमेंट से बने हैं, उसे पक्का हाउस कहते है। उसके बाद कच्चा हाउस, तो कच्चा हाउस किसे कहते हैं, जो मड, स्ट्रो, वुड और लीव्स से बने हैं, उसे कच्चा हाउस कहते हैं। व्हाई डू वी नीड अ डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम हमें किस लिए जरूरी है, तो वी ईट ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर इन द डाइनिंग रूम। व्हाट इज द ड्राइंग रूम यूज फॉर, सो ड्राइंग रूम में हम क्या करते हैं, सो वी सीट एंड टॉक टू अवर गेस्ट इन द ड्राइंग रूम, हम बातें करते हैं हमने फ्रेंड से साथ, कोई रिलेटिव के साथ वहाँ पे ड्राइंग रूम में। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने हमारा चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट कर लिया है, वीडियो को देखते रहिएगा, थैंक यू।